गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज आनंद वर्मा एंड यू आर वाचिंग चंद्रा क्लासेस। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोगों की बिजनेस स्टडीज की क्लासेस बैक टू बैक चल रही हैं और बहुत ही शानदार चल रही है, ठीक है। तो उसी शानदार क्लास का आज जो है पार्ट सेकेंड है और उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये पार्ट समझ में आ रहा होगा। सो उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हमारा पॉइंट है बिजनेस स्टडीज की सेकेंडरी एक्टिविटी को, या फिर कहें सेकेंडरी सेक्टर्स की बात हम लोग करने जा रहे हैं। सो अभी यहां क्या कह रहा है, दैट दीज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट बाय यूजिंग द प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्रीज एज अ रॉ मटेरियल, हेंस आर कॉल्ड द सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। तो भाई यहां पर क्या हो रहा है, हमने प्राइमरी इंडस्ट्रीज की क्या कर ली, रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किसमें करना शुरू कर दिए हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में। तो पहला हमारा पॉइंट क्या था, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो इसमें क्या कह रहा है, दीज इंडस्ट्रीज कन्वर्ट्स द रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश प्रोडक्ट इनटू द फिनिश प्रोडक्ट। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स को, जो अभी बीच में फिनिश प्रोडक्ट बनने के लिए बाकी है, उन्हें हम लोग कन्वर्जन करते हैं। जैसे कि शुगर इज कन्वर्ट, शुगर केन कन्वर्टेड इंटू शुगर एंड वुड कन्वर्टेड इंटू फर्नीचर। हम लोग यहां पर क्या करते हैं, हम लोग लकड़ियों को लेते हैं, उसको किसमें कन्वर्ट करते हैं, फर्नीचर में कन्वर्ट करते हैं। शुगर केन को किसमें कन्वर्ट करेंगे, शुगर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। देन फर्दर वी जस्ट क्लासिफाइड दिस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन सब पॉइंट्स। सो सब पॉइंट्स कौन कौन से है, फर्स्ट दी एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। तो भाई एनालिटिकल इंडस्ट्रीज क्या होगा, इन सच इंडस्ट्रीज अ बेसिक रॉ मटेरियल इज एनालाइज एंड सेपरेट इनटू द डिफरेंट फिनिश प्रोडक्ट। एग्जांपल, क्रूड ऑयल रॉ मटेरियल विच इज सेपरेटेड इनटू लुब्रिकेंट ऑयल। अभी हमने क्या किया यहाँ पे दोस्तों, यहां पर मैंने एक ऑयल लिया, क्या लिया, ऑयल लिया, और इस ऑयल को, ये क्या है, नेचुरल ऑयल है। अभी नेचुरल ऑयल है तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि इसके अंदर सारी चीजें, ल्यूब्रिकेंट्स है, पेट्रोल है, कैरोसिन है, काफी जो है इसके अंदर केमिकल्स मौजूद होंगे। तो इन्हें हम लोग रिफाइनिंग प्रोसेस से क्या करते हैं, सेपरेट इट आउट करते हैं, अलग अलग करते हैं, और अलग अलग करने पर हमें क्या पता चलता है कि अलग अलग चीजों की अपनी वैल्यू होती है और अलग अलग वर्क है। सो क्लास, अभी यहां पर हमने एनालिटिकल इंडस्ट्रीज में देख लिया कि भाई हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज के बारे में। यहां पर क्या होता है, टू और मोर रॉ मटेरियल्स आर कंबाइंड टुगेदर टू मेक अ न्यू वन। मतलब यहां हम क्या करते हैं, यहां हम क्या कर रहे हैं, यहां पे न्यू जो है वन बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, दो लोगों को जोड़ दिया। मैंने कहा कि भाई एक कोई रॉ मटेरियल है, उस वो ए है, और एक रॉ मटेरियल क्या है, बी है, और उसको कंबाइन करने पर एक जो है फाइनल प्रोडक्ट बनता है, उसका नाम क्या है, ए बी। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सो नाउ मूव टुवर्ड्स द अनदर पॉइंट, द प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। हाउ द प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इज टू बी वर्क हियर, द प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मींस इट इन्वॉल्व द सक्सेसिव स्टेज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट शुगर इंडस्ट्रीज और अ पेपर इंडस्ट्रीज। सो इन दिस सिचुएशन अब यहां पर क्या होगा, इसको भी समझेंगे। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में हम लोग कुछ चीजों को प्रोसेस करने जा रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करके उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। हमने क्या किया, कई प्लास्टिक्स, जो वेस्ट प्लास्टिक्स हैं, उनको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके एक न्यू वन जो है प्लास्टिक की बकेट बना दी, प्लास्टिक के मग बना दिए। तो ये सब क्या हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है। शुगर इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, शुगर केन को लेता है, शुगर में कन्वर्ट करता है, प्रोसेस कर दिया भाई। मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे पेपर इंडस्ट्रीज क्या होती है, पुराने पेपर्स को लेते हैं, वेस्ट पेपर को लेते हैं, उन्हें कंबाइन करते हैं, उनको जिस तरीके से मतलब प्रोसेस किया जाता होगा, उस तरीके से प्रोसेस करके उसको न्यू वन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सो नाउ मूव टुवर्ड्स द अनदर पॉइंट, असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। तो भाई असेंबलिंग इंडस्ट्रीज के बारे में जानने से पहले आप लोग ये बताइए, कितने लोग यहाँ पर ऐसे होंगे, बहुत से लोग ऐसे होंगे, फिलहाल मैं तो कहूंगा यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि
कंप्यूटर के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं और कंप्यूटर जो है ऑपरेट करते हैं, और साथ ही साथ बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि कंप्यूटर असेंबल करना जानते होंगे। मतलब अगर हमने कह दिया सीपीयू, हमने कह दिया मॉनिटर, ठीक है, हमने कह दिया स्कैनर, मॉनिटर, सीपीयू, मतलब दुनिया भर की चीजें, जो भी चीजें हमारे पास मौजूद है उनके अंदर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग अलग कंपनीज के होते हैं और हमने क्या कर दिया, उन्हें असेंबल करके एक फाइनल प्रोडक्ट बना दिया। तो इस काम को कौन करेगा, असेंबलिंग इंडस्ट्रीज करेगी। ठीक है, अभी तक की बात क्लियर है। नेक्स्ट असेंबलिंग इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं। इन दिस इंडस्ट्रीज अ पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड बाय अ डिफरेंट इंडस्ट्रीज आर असेंबल्ड टू प्रोडक्ट न्यू यूजफुल प्रोडक्ट कार, टीवी एंड कंप्यूटर। हम यहां पर एक बात करेंगे, रियलमी रेडमी जैसे प्रोडक्ट्स हैं, हमने यहां पर कहा उनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, चाइना से मंगवाए जाते हैं और यहां पर असेंबल होता है और यहां पर असेंबल होकर के उसको फाइनल एक शेप दी जाती है, फाइनल प्रोडक्ट बनता है। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ योर असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। नाउ मूव टुवर्ड्स द अनदर पॉइंट हियर, द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। तो भाई कंस्ट्रक्शन का नाम तो आप जानते ही होंगे, कंस्ट्रक्शन जहां पर हम क्या करते हैं सर, कंस्ट्रक्शन मतलब सर घर में घर बनवा रहे, ब्रिजेस बनवा रहे, डैम्स बनवा रहे, तो ये कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज इट इंक्लूड ऑल दोज इंडस्ट्रीज विच आर इंगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड्स, डैम्स, इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर्स, जितने भी बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं बेस्ट एग्जाम्पल है किसके, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के। भाई हमने क्या कर लिया, हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज आदित्य बिरला ग्रुप के साथ हम क्या कर लिए, टाइप कर लिए। चलिए सर एक छोटा सा एग्जांपल ही ले लेते हैं। हमने कह दिया एक मिस्टर ए थे, कौन था, मिस्टर ए, एक मिनट, हमने कहा एक मिस्टर ए थे और एक मिस्टर कौन थी भाई, बी, कॉमन। सर एकदम कॉमन सा एग्जांपल आप देते हैं तो भाई कॉमन सा एग्जांपल क्या होता है, जल्दी समझ में आ जाता है। मिस्टर ए जो थे उनका काम था डिजाइन पास करना, किसी भी कंस्ट्रक्शन हाउस का क्या करने का, डिजाइन पास करने का, और मिस्टर बी का काम था जो रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं उनको बनाने के लिए, उसका काम था। भाई ये दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं, एक इंडस्ट्रीज खोलिया, एक्स ए एंड बी लिमिटेड, ए एंड बी लिमिटेड करके एक इन्होंने कंपनी खोल ली। तो ये कहीं ना कहीं किस इंडस्ट्रीज से रिलेट करने लगेंगे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज से रिलेट करने लगेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट क्लास, सो आई होप कि अभी तक आपको बात समझ में आ रही होगी। तो आज की क्लास का लास्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, वो क्या है, टेरिटरी सेक्टर्स। भाई बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ही हेल्पफुल है, आज कहीं ना कहीं हमारे दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी को बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। अगर ये ना हो तो प्राइमरी सेकेंडरी का जो है बंडादार हो जाए, मतलब खराब ही हो जाए सब कुछ। क्यों खराब हो जाएगा, क्योंकि ये आज के टाइम में बैकबोन की तरह काम करता है। तो सर इतना तारीफ ही सुन रहे हैं तो समझते हैं ये है क्या। दीज आर द कंसर्न विद प्रोवाइडिंग द सर्विसेज विच फैसिलिटेट द स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और इन अदर वर्ड दीज कंसर्न विद प्रोवाइडिंग द सपोर्ट सर्विसेज टू अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज एज वेल एज एक्टिविटीज रिलेटेड टू ट्रेड। Various types of services provided to the industries are. So, मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर ये इसने बताया कि भाई हम बिजनेस कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो भाई स्मूथ चले, कोई हर्डल्स ना आए, कोई प्रॉब्लम्स ना आए, तो भाई क्या करेंगे, हम सर्विस इंडस्ट्रीज से, सर्विस सेक्टर से जुड़ेंगे। गुड्स एंड सर्विसेज भाई प्रोवाइड कर तो हम रहे हैं, लेकिन उसको फैसिलिटी प्रोवाइड कौन करेगा, उसे सपोर्ट कैसे देगा, भाई ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज ये प्रोवाइड कर रही है, और साथ ही साथ ये ट्रेड में भी हेल्प करती। सर इसका एग्जांपल दे दे तो बहुत अच्छा होगा। तो सर यहां पर एग्जांपल ये रहेगा कि भाई मैंने मैन्युफैक्चरिंग कर ली, मेरे पास वेयर हाउसेस थे, मैंने मैन्युफैक्चरिंग कर ली, लगभग 1.5 करोड़ का स्टॉक मैंने बना लिया। अब वहां कहां पर रखेंगे, मशीनों के पास तो रख नहीं सकते, उसके लिए प्रॉपर हमें स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए। तो जो स्टोरेज फैसिलिटीज है, कोल्ड हाउस, वेयर हाउसेस, ठीक है, वो कौन प्रोवाइड करता है, ये इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करती हैं।
ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ ये कौन से सपोर्ट सर्विसेज होती हैं? आज क्या करना चाहते हो, एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं सर, कहीं ना कहीं ये सर्विसेज जो है यहां पर देंगी, और कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्रीज एक तरीके से आज के नाम पे बीपीओ इंडस्ट्रीज के फॉर्म में भी दिख रही हैं, ठीक है। तो आई होप सो क्लास अभी तक आप लोगों को जो पॉइंट्स मैंने सेकेंडरी प्राइमरी और टेरिटरी सेक्टर्स के बताए होंगे वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर कहीं कोई किसी तरीके का डाउट है, किसी तरीके की आप लोगों को पॉइंट्स में दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ठीक है। और कोई भी डाउट है आप सीधा हमारी फैकल्टीज से, हमारे डायरेक्ट जो नंबर यहाँ साइड में ब्लिंक कर रहे हैं इन्हें आप जो है इन पर कॉल करके आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। सो वेरी थैंकफुल टू यू ऑल, हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड टेक केयर।